गरीब बाप की पांच बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की पांच बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा, पांचों बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो पांच बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू, अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है, अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कर आइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम ना था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीद कर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो, बाकी सारा सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर पांच बेटियों के ब्याह का बोझ है, कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रही हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा, अगर खेत ना बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे। कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पांव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी चीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते, आपको हमारी कसम सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटिया आपका कंधा बनेगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़पते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला, जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है, शरम हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटिया पैदा करने की।
जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई, मगर एक बेटी कहां चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बे औलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जुड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया, 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी 3 बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान, अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा, अरे मुझ पर तो मत लगाएगा, कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ, तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ, आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। 3 बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। 3 बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ, डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं, 3 अपने पैरों पर खड़े हैं, शहर में अच्छा खासा कारोबार और घरबार है, बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए, अपनी 3 बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया, मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है, इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की 3 बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहां सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं। 5 आलसी ननद की एक कामकाजी भाभी। परिणीति रसोई में खड़ी खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी 5 ननद श्रुति, जिया, निकिता, निम्मी और अन्नू किचन में पधार पड़ती हैं। ओह माय गॉड, परिणीति भाभी, ये करछी चमचा चलाना छोड़िए और चलकर मेरी चोटी बना दीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं भाभी, पहले मेरी ड्रेस प्रेस कर दीजिए, आज मुझे पार्टी के लिए जाना है। देरी पार्टी गई तेल लेने। भाभी देखो ना, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो प्लीज। जिया, तुमने हॉल से उठकर रसोई में आने की तकलीफ कर ली, मगर एक रिमोट नहीं ढूंढ सकती, छोटी बच्ची हो क्या? मैं क्या रजनीकांत का बनाया रोबोट हूँ जो आंखों से स्कैन करके रिमोट छान मार लूंगी? अरे भाभी, आप हम 5 ननद की कामकाजी भाभी हो, चाहे काम रसोई की करछी चमचा चलाना हो या किसी को टिप टॉप बनाना हो, आप तो चुटकियों में कर देती हो। भाभी आप इसकी मक्खनबाजी में मत आना, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, भाभी खाना बना रही है,
मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम चारों किचन से कल्टी करो वरना तुम चारों कामचोरों को मैं कच्चा जबा जाऊंगी। पहले होगी पेट पूजा फिर काम दूजा। बाढ़ में गई तेरी भूख, भाभी मेरा काम करेंगी पहले? नहीं मेरा काम करेंगी। अपनी पांचों कामचोर ननद को इस कदर नोक झोंक करता देखकर परिणीति सिर पकड़कर फुसफुसाते हुए बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे एक साथ पांच पांच कामचोर निकम्मी निठल्ली ननद की भाभी बनाया ही क्यों। सुबह का सूरज निकलते देर नहीं होती कि मेरी नल्ली ननद नगाड़े बजाने लगती है। बस बंद करो झगड़ना, तुम्हारी खटपट से मेरे कानों से खून निकल रहा है, और बारी बारी से बताओ किसका क्या काम करना है। पांचों आलसी ननद बेचारी अकेली भाभी पर काम थोप कर मटर गस्ती करने चली जाती हैं, और परिणीति एक पांव पर नाचती हुई पांचों का काम पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ पांचों के अंदर बसा आलस चार मीनार की चढ़ाई चढ़ने लगता है। एक शाम किचन का काम निपटाने के बाद परिणीति गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है आज तो 5 बजे तक सारा काम चकाचक हो गया, और रात के डिनर की तैयारी में अभी 2 घंटे हैं। इतनी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। जैसे ही परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठती है कि अचानक उसे श्रुति की चीख सुनाई देती है। आह भाभी! अरे ये तो श्रुति की आवाज है, ये चिल्ला क्यों रही है? बेचारी भाभी ननद के मोह में भागती हुई कमरे में आती है, जहाँ श्रुति मोमोज के चटकारे लगा रही होती है। भाभी प्लीज जरा जल्दी से मुझे पानी पास कर दीजिए, मिर्च के मारे मेरी जुबान जल रही है। परिणीति जल्दी से श्रुति को पानी दे देती है, जिसे पीकर श्रुति कहती है, थैंक यू भाभी। हो गया ना गला गीला, अब बताओ फटे ढोल की तरह क्यों चीख रही थी? पानी देने के लिए। क्या तुम इतनी कामचोर कैसे हो सकती हो यार? श्रुति फटे स्पीकर की तरह चिल्ला सकती हो, मगर अपना हाथ पांव चलाकर खुद पानी नहीं ले सकती थी। अरे पानी का जग कोई 7 समुंदर पार थोड़ी रखा था, 4 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है क्या? ओ भाभी जस्ट चिल, इतना हाइपर की हो रही हो, और वो भाभी ही क्या जो ननद के नखरे ना उठाए। अपनी ननद की अतरंगी सोच सुनकर भाभी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और पांचों ननद छोटे से छोटा काम भी अपनी कामकाजी भाभी से करवाती। एक रात पांचों ननद मेज पर बैठी कांटा चम्मच बजाते हुए बोलती हैं, भाभी जल्दी करो हमें जोरों की भूख लगी है। बस पांचों के लिए पेट पहाड़ है, दिन भर मटर गश्ती मारती हैं, मौज तो इनकी है, पका पकाया खाकर थाली भी नहीं उकसाती। अगर मेरी इन भुक्कड़ ननद का बस चले तो मुझे ही खा जाएं। परिणीति जल्दी से खाना बनाकर मेज पर परोसती है, तभी पांचों ननद नाक चढ़ाकर बोलती हैं, ओह गॉड भाभी ये क्या बेढंगा खाना बनाया है, हम ये घास फूस नहीं खाएंगे। क्यों क्या खराबी है खाने में निम्मी, इतनी मेहनत से खाना बनाया है भाभी ने, ये सारा का सारा, चल खाना खा। प्लीज माँ ये बैंगन का भरता मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा, क्यों गर्ल्स? हाँ भाभी ये बैंगन का भरता हम नहीं खाएंगी। जाइए भाभी जाकर अपनी पाजो ननंद के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, जो बना है वही खाओ वरना भाड़ में जाओ। अपनी भाभी की मनाही सुनकर पांचों ननद चिकनी चुपड़ी चाल चलती हुई कहती हैं, भाभी आपके रहते आपकी पांचों ननद भूखी रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? देख लेना एक दिन जब आपकी पांचों ननद अपनी ससुराल चली जाएंगी तो आप हमारे गम में आंसू बहाती हुई पछताओगी कि काश आप हमें पास्ता खिला देती। हाँ हाँ बंद करो तुम पांचों ये मक्खन बाजी, बना रही हूँ मैं पास्ता। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक जंग जीतने वाली मुस्कान देकर फुसफुसाती हैं, लकड़ी की काजी और भाभी हमारी काम काजी। दिन भर की थकी हारी परिणीति अपनी ननद के लिए पास्ता बनाती हुई कहती है, पता नहीं ये ननद इतनी नखरीली क्यों होती है, अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाती, दिन भर गधों की तरह खटने के बाद भी रात को मीठी नींद नसीब नहीं होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, मगर ननद का आलस कहाँ घटने वाला था। कामकाजी भाभी अपनी ननद की जी हुजूरी में जुटी रहती हैं। पानी सर से ऊपर उफन आया है, आलस में मेरी पांचों ननद निकम्मी बन गई है, एक दिन का भी टस्से मस नहीं करती। इससे पहले कि इनकी कामचोरी के किस्से आसमान छुए, मुझे इन्हें जमीन पर लाना ही होगा। अगली सुबह, सुनो तुम चारों ने भाभी को देखा क्या?
पता नहीं भाभी कहाँ है। हम चारों कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो उनके कमरे में चलकर देखा जाए। इसके बाद पांचों ननद एक साथ परिणीति के कमरे में आती हैं। पधारो मेरी पांचों निकम्मी ननंद। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें निकम्मी कहने की? क्यों, निकम्मी का कोई और नया नाम निकला है क्या? भाभी ये सब छोड़ो, हमें जोरों की भूख लगी है, चलकर हमारे लिए कुछ बना दो। क्यों, तुम पांचों के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आज से तुम पांचों अपना अपना काम खुद करोगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। क्या हुआ, काम करने के नाम से तुम पांचों के हाथ पाँव क्यों फूलने लगे? अब बताओ, होई ना तुम मेरी निकम्मी ननद? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगी। इतने के बाद पांचों ननद बाहर आती हैं और श्रुति उन्हें काम बांटती है। जिया तुम जाकर कपड़े धो, निकिता और निम्मी तुम दोनों जाकर सफाई करो, और अन्नु तुम बर्तन मांज दो, और मैं बनाऊंगी खाना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ हम सब तैयार हैं। इसके बाद पांचों कामचोर ननद काम करने लगती हैं, मगर कोई भी सफाई से अपना काम नहीं कर पाता, जिसके बाद पांचों आलसी कामचोर ननद एक दूसरे पर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है तुमने, रोटी जलकर खाक हो गई है और सब्जी में नमक ही नहीं है, और अनु ये कैसे बर्तन मांजे है, जूठन अपनी थाली में ही लगा रखा है। अरे तो तुमने कौन सा फर्श चकाचक किया है? अरे जब तुम्हारे कामों में कमी हो सकती है तो हमारे कामों में क्यों नहीं? इस तरह पांचों कामचोर ननद एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और अफसोस जताती हुई कहती हैं, पता नहीं भाभी अकेले ये सारा काम कैसे करती थी, यहाँ तो हम पांचों के लिए इतना कुछ करना भारी पड़ रहा है। चलो भाभी के पास चलते हैं। इसके बाद पांचों आलसी ननद अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों से आप हम पांचों ननद के नखरे झेल रही थी, मगर हम पांचों की तो एक ही दिन में हालत पंचर हो गई। काश भाभी हम पांचों भी आपकी तरह कामकाजी होती, मगर आज से हम पांचों हर काम में आपका हाथ बटाएंगी। तो आखिरकार मेरी पांचों आलसी ननद को अपनी भाभी की कदर समझ आ ही गई। ये सुनकर पांचों ननद मुस्कुरा देती हैं और उस दिन के बाद से पांचों ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती। गरीब बांझ की जादुई झोपड़ी। अरे ये क्या, अभी तक घर का काम ही नहीं हुआ है, आखिर ये बहू कर क्या रही है सुबह से? राजवती जोर जोर से अपनी बहू को बुलाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे तुझे घर के अंदर कोई काम दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो थक गई हूँ इसे रोज रोज समझा दे समझाते। अपनी सास की आवाज सुनते ही निहारिका अपने सास के पास आती है और कहती है, माँ जी दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं घर में आराम कर रही थी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है, अब मैं घर के सारे काम करूंगी। काम चोर कहीं की, जब देखो काम चोरी करने के लिए बहाने बनाती रहती है, एक तो बांझ है, ऊपर से मेरे सर पर बोझ बनकर इस घर में बैठी है। माँ जी आप हमेशा मुझे बांझ होने का ताना क्यों देती रहती हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे नहीं तो क्या, तेरी आरती उतारू? देखो तो सही कितनी चौड़ी होकर बोल रही है, जैसे मुझे पांच पोते पैदा करके दे दिए हो, अगर मुझसे जुबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राजवती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी निहारिका तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद वो अपनी दवाई खाकर फिर से आराम करने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के बाद निहारिका की देवरानी सुरभि अपने मायके से वापस आ जाती है। उसके दो बेटे थे, जिसे देखते ही राजवती के चेहरे पर रौनक आ जाती है। अरे बहू तू अपने मायके से वापस आ गई, चलो अच्छी बात है, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे पोतों के बिना। यही हाल आपके पोतों ने भी मचा रखा था वहाँ, इन्होंने मुझे रुकने ही नहीं दिया, बार बार कहते हैं कि हमें हमारी दादी के पास ले चलो। सुरभि के दोनों बेटे राजवती को देखते ही खुश हो जाते हैं। राजवती उन दोनों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद सुरभि अपनी जेठानी निहारिका के कमरे में जाती है। ओहो यहाँ आराम कर रही हो, मैं अभी अभी अपने मायके से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन सुरभि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है फिर ये वाली बात आप सीधा माँ जी से ही कह देना। अपनी सास का नाम सुनते ही सुरभि चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, जिसके चलते अचानक से उसका ध्यान कहीं और चला जाता है
और पतीले में से दूध बाहर निकल जाता है। तभी ये सब राजवती देख लेती है और सुरभि के बाल पकड़ लेती है। अरे बांझ कहीं की, जब देखो अपशगुन वाले काम करती रहती है, अभी के अभी इस घर से निकल जा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे आज तो माँ जी आपने बहुत अच्छा कहा, वैसे भी इस बेचारी का बोझ उठाएगा भी कौन, इसे तो घर से निकाल ही देना चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। राजवती निहारिका का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी निहारिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। निहारिका बारिश में पूरी तरह भीग जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी निहारिका को कुछ याद आता है। अरे याद आया, मेरी दादी की झोपड़ी अभी भी वहीं होगी। निहारिका ऐसा सोचते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी के पास एक घायल हिरन भी पड़ा होता है। हे भगवान, पता नहीं किसने इस मासूम को चोट पहुंचाई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। निहारिका जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और अपनी साड़ी फाड़ कर हिरन की मरहम पट्टी कर लेती है। देखते ही देखते वो हिरन अचानक से एक हरी भरी परी में बदल जाता है। मैं इस जंगल की हरी भरी परी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर से मेरी सास ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया, मैं आपसे क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें रोने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही परी अपना कमाल दिखाती है और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी को जादुई सुनहरी झोपड़ी में बदल देती है। चिंता मत करो, तुम माँ जरूर बनोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते ही जादुई परी की छड़ी से एक रोशनी निकलकर सीधा निहारिका के पेट पर जाती है, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद निहारिका का पति सुमित उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुँच जाता है, जिसके बाद निहारिका अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में सुमित को बताती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और परी ने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, हम दोनों यहीं रहेंगे। सुमित भी निहारिका के साथ उस जादुई सुनहरे घर में रहने लगता है। एक दिन निहारिका अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे जैसी कितनी और औरतें इस तरह परेशान होंगी, मुझे उनकी मदद करने के लिए एक आश्रम खोलना चाहिए। ए जादुई घर, मुझे इतना पैसा दो जिससे मैं एक आश्रम खोल सकूं। निहारिका के इतना कहते ही उसके सामने कई सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों पति पत्नी मिलकर बेसहारा और गरीब औरतों के लिए आश्रम खोलते हैं। एक दिन खाना खाते समय अचानक से निहारिका का मन मचलने लगता है और वो घर के बाहर आकर उल्टियां कर देती है। निहारिका, निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? मुबारक हो आपको, आप पिताजी बनने वाले हो, परी ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। ये सुनकर सुमित बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से वो दोनों कुछ जादुई सुनहरे घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। हमें अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, ए जादुई घर हमें पैसे दे दो। निहारिका के इतना कहते ही उनके सामने खूब सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और सुमित दोनों अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुमित निहारिका से कहता है, मैं अब और इस जादुई घर के भरोसे नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, क्यों ना मैं एक सुनार की दुकान खोल लूं। जादुई घर, क्या तुम मुझे ढेर सारे सोने के गहने दे सकते हो? सुमित के इतना कहते ही उसके सामने सोने के गहनों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं अपनी खुद की एक सुनार की दुकान खोलूंगा। सुमित उन सोने के गहनों से अपनी सुनार की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते उसकी सुनार की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। कुछ ही समय में उनकी सारी परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन सुमित और निहारिका अपने बेटे राजू को मंदिर लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर खड़े सभी गरीबों को दान करते हैं। उन भिखारी की लाइन में सुमित का पूरा परिवार भी खड़ा होता है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम है और माँ भी है। सुमित उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ चला गया था बेटा तू हमें छोड़कर, तेरे जाने के बाद विक्रम को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, देखते देखते हमारा घर भी नीलाम हो गया और हम लोग सड़क पर आ गए। हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। आप सभी ने मिलकर मेरी पत्नी निहारिका को घर से निकाल दिया था,
आपको क्या लगा कि आपके चलते मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मैं निहारिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये देखो माँ, आप निहारिका को, आप हमेशा इसे बांझ कहा करती थी ना, ये हमारा बेटा राजू है, मेरी पत्नी बांझ नहीं है माँ। राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू निहारिका से माफी मांगती है, जिसके बाद निहारिका सभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने जादू सुनहरे घर में ले जाती है। उस दिन के बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी जादुई सुनहरे घर में रहने लगते हैं। नदी में भूत और चुड़ैलों का सुनहरा शहर। रात का समय होता है, शिव और कैलाश दोनों जंगल से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। देख कैलाश, तू अच्छे से जानता है कि रात के समय गांव से धीरे धीरे लोग गायब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तू इस रास्ते से जा रहा है। अरे शिव, तू भी ना, ये सब तो अफवाह है, अफवाह। भला जंगल से कोई कैसे गायब हो सकता है? इस जंगल के अंधेरे को देखकर तो मेरा गला सूख गया है। अगर गला सूख गया है तो ये ले, पानी पी ले। अरे भाई, ये बोतल तो खाली है, इसमें तो एक बूंद पानी तक नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, कुछ दूरी पर एक नदी आती है, वहाँ से इस बोतल में पानी भर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद नदी आ जाती है। कैलाश और शिव दोनों नदी किनारे रुक कर पानी पीने लगते हैं और बोतल में पानी भर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, उन्हें अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी? मैं नहीं जानता, चलो यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी नदी किनारे एक भूतिया नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आज तो शिकार खुद चलकर हमारी नदी के पास आया है। इंतजार किस बात का है, चलो शिकार का शिकार करते हैं। भूत, चुड़ैल, शिव, भाग भाग यहाँ से, भाग भाग। वो दोनों भागने की कोशिश करते, लेकिन भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते और उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर नदी के अंदर ले जाते हैं। धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। अरे मुखिया जी, कल रात से मेरा बेटा घर नहीं लौटा। मेरा बेटा कैलाश भी वापस नहीं लौटा है। मुखिया जी, इस प्रकार गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में एकाएक दिन कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों को मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कंप्लेन लिखवा दी है, जल्द से जल्द लोगों को गायब करने वाला किडनैपर पकड़ा जाएगा। मुखिया के ये कहने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शिव और कैलाश वापस घर नहीं लौटते, जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। आधी रात के समय फिर से नदी किनारे एक नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर भूत और चुड़ैल होते हैं। कितना सन्नाटा है यहाँ, चलो आज गांव में जाकर कुछ तूफानी करते हैं। बहुत मजा आएगा इन लोगों को बंदी बना कर ले जाने में। अरे यूं ही अपने कंधे दांत फाड़ती रहेगी या शिकार करने भी चलेगी। भूत और चुड़ैल गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो गांव की चारों तरफ अकेले अकेले लोगों को देखते हैं। आज तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, कालिया तू वहाँ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। माया, क्यों ना हम दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों अपने शिकार को दबोच लेंगे। माया और छाया दोनों एक साथ चली जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अकेला इंसान नहीं दिखता। तभी छाया को साइकिल की आवाज आती है। मुझे एक साइकिल की आवाज आ रही है, लगता है इस रास्ते से कोई गुजरने वाला है, चल माया छुप जाते हैं। वो दोनों छुप जाती हैं, जिसके बाद वहाँ से एक आदमी साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। तभी उसके सामने माया आ जाती है। आजा मेरा शेरा, आज तुझे हम जंगली बनाते हैं। माया और छाया दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चुड़ैल। उस आदमी की आवाज सुनते ही भूत भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी उस आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और नाव में बैठा कर उसे नदी के अंदर ले जाते हैं। नदी के अंदर एक बहुत प्यारा और सुंदर सुनहरा शहर था, जहाँ पर भूतों का वास था।
वहाँ का चांडाल इंसानों को बंदी बनाकर उनसे सुनहरे शहर को बनवा रहा था। आका, मैं आपके लिए एक और बंदी बनाकर लाया हूँ। जाओ और ले जाओ इसे और लगा दो काम पर। छाया उस आदमी को सुनहरे शहर के बगीचे में ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ पर सोने के सुनहरे फूल लगाने हैं और यही तुम्हारा काम है। वो आदमी डर के मारे सोने के सुनहरे फूल लगाने लगता है। सुनहरे शहर में इंसान बंदी बनकर सुनहरे शहर को बना रहा होता है। कोई सोने की चक्की से आटा पीस रहा होता है तो कोई सोने के सुनहरे शहरों की सड़कों पर झाड़ू लगा रहा होता है। सभी इंसान वहां पर काम कर रहे होते हैं और सभी भूत और चुड़ैल वहां अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं। तभी वहां पर एक हसीना नाम की चुड़ैल एक इंसानी औरत से कहती है, तुम बहुत मोटी और बद्दी लग रही हो। लगता है इंसानों की दुनिया में तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ये लो, ये मेरे कपड़े, इन्हें अच्छे से धोना। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो यहाँ से। आखिर तुम लोगों ने हमको यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि हमें अपना सोने से सुनहरा शहर बनवाना है और इसमें केवल तुम लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। ऐसा कहकर हसीना वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुनहरे शहर के अंदर चांडाल के लिए इंसान मजदूरी करके उनका एक किला भी बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में सवेरा हो जाता है और एक नुपुर नाम का लड़का भागते हुए गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, मैंने देखा था उन्हें रात के समय। वे रात के समय आते हैं और गांव के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अरे भाई, तो ये किसकी बात कर रहा है? मैं भूत और चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। रात के समय भूत और चुड़ैल गाँव में आकर लोगों को गायब करके ले जाते हैं। गांव के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो सभी नुपुर को मुखिया के पास ले जाते हैं और नुपुर मुखिया को सारी सच्चाई बताता है। अगर ऐसी बात है तो हमें अब तांत्रिक बाबा को बुलाना ही होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में आ जाते हैं। तो बताओ बालक, वो भूत और चुड़ैल उस आदमी को कहाँ लेकर गए थे? नुपुर तांत्रिक बाबा को जंगल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ भूत और चुड़ैल के साथ साथ इंसानों के पैर के छापे भी होते हैं, जो जंगल से होकर नदी पर आकर खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो यहीं पर आकर खत्म हो गए हैं। हो ना हो, इस नदी में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस नदी के अंदर जाना होगा। लेकिन बाबा, अगर उन भूत और चुड़ैलों ने आपको कोई नुकसान पहुँचाया तो? वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतना कहकर तांत्रिक नदी में डुबकी मार देता है और नदी के सहारे वो भूत और चुड़ैल के सुनहरे शहर में पहुंच जाता है। ये क्या, यहाँ तो सुनहरा शहर है। कुछ भूत और चुड़ैल उसे चांडाल के पास ले जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चांडाल से कहता है, देख चांडाल, तू हमारी दुनिया के इंसानों को कैद करके अपनी दुनिया में नहीं ला सकता। अगर तू ऐसा करेगा तो मजबूरन मुझे तेरे भूत और चुड़ैलों को भी कैद करके अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। मेरी दुनिया में आकर तू मुझे धमकी दे रहा है, मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनते ही तांत्रिक को गुस्सा आता है और वो एक शीशे की बोतल निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। शिष्टम न दिष्टम अविशाल भेदनम न शिष्टम न दृश्यम वायुमंडलम भेदनम। मंत्र खत्म होते ही भूत और चुड़ैल उस शीशे की बोतल में कैद हो जाते हैं। क्यों चांडाल, अब तुझे मेरी बात का यकीन हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं इन सभी इंसानों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया की भूत और चुड़ैलों को कैद नहीं करोगे। तांत्रिक और चांडाल के बीच सौदा पक्का हो जाता है, जिसके बाद तांत्रिक के कहने पर चांडाल सभी इंसानों को उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। उस दिन के बाद से इंसान अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब बाप की तीन बेटियों की जादुई गाउन। हरिया सिलाई के मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रहा होता है कि तभी वहाँ एक सरवन नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे काका, जरा मेरी शर्ट फट गई है, उसे सिल दो। हरिया तुरंत उसकी शर्ट अपनी सिलाई मशीन पर रखता है और सिलना चालू कर देता है। देखते ही देखते हरिया सरवन की पूरी शर्ट सिल देता है और उसे दे देता है। ये लो बेटा, पूरे 30 रुपए हो गए है। सरवन 30 रुपए हरिया को देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं,
पिताजी पिताजी ये देखिए मेरी ड्रेस फट गई है, अब मैं स्कूल फंक्शन पर क्या पहन कर जाऊंगी। मेरी ड्रेस भी बहुत पुरानी हो गई है, सब बच्चे मुझे फटी हुई ड्रेस में बहुत चिढ़ाते हैं। पिताजी मेरी ड्रेस भी हर जगह से फटी हुई है, मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। अरे तुम तीनों चिंता क्यों करती हो, मैं तुम तीनों के लिए नई नई फ्रॉक सिल दूंगा। हरिया एक कपड़ा निकालता है, जिसके बाद वो उस कपड़े से अपनी तीनों बेटियों के लिए एक फ्रॉक सिल देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां फ्रॉक पहनकर बहुत खुश होती हैं। पिताजी आपने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है, अब मैं अपनी नई फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। अब हमारी नई फ्रॉक देखकर कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हमने फटी हुई फ्रॉक पहनी है। ऐसा कहने के बाद तीनों अपने स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां उन तीनों की सभी सहेलियां नए नए कपड़े पहनकर आई होती हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो सही, इनकी फ्रॉक कितनी ओल्ड फैशनेबल लग रही है, आजकल तो सब गाउन पहनते हैं। अरे ये लोग गरीब हैं, इनके पास कहां से ऐसे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे होंगे। मेरे पिताजी ने मेरा गाउन पता है कितने का लिया है, पूरे 25,000 रुपए का है। शालू रूपा और संजना की सभी सहेलियां फिर से उन्हें अपनी अपनी महंगी ड्रेस दिखाकर चढ़ाने लगती हैं। वो तीनों स्कूल के फंक्शन को खत्म करने के बाद जब वापस अपने पिता के पास पहुंचती हैं, वो उनसे कहती हैं, पिताजी आपने अभी तक हमारे लिए किया ही क्या है, हमें हमारी सहेलियों जैसी महंगी फ्रॉक नहीं दिलाई। अरे उनकी फ्रॉक देखिए कितनी सुंदर और चमकीली लगती है, पिताजी हमें बिल्कुल वैसी फ्रॉक चाहिए। हाँ पिताजी आपको हमारे लिए वैसी फ्रॉक लानी ही होगी, हमें चाहिए तो चाहिए। वो तीनों बहनें मिलकर अपने पिता से जिद करना शुरू कर देती हैं। देखो बेटी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी फ्रॉक दिलवा सकूं। जितना मैं कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा ही चल पाता है बेटा। हरिया अपनी तीनों बेटियों को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझती। अगले दिन उन तीनों की सभी सहेलियां लोहड़ी के त्योहार के लिए नए नए कपड़े खरीदने जाती हैं। ओहो देखो तो सही, इन बेचारियों ने तो आज भी पुराने कपड़े पहने हैं। अरे आज लोहड़ी है, कम से कम आज तो नए कपड़े पहन ही लेना। बस बहुत हुआ, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। रूपा हरिया के पास जाती है और उससे कहती है, पिताजी आज फिर हमारी सहेलियों ने हमारा मजाक उड़ाया, अब आप भी हमें ड्रेस दिलवाओ ना, जैसे बाकी लड़कियों के पिताजियों ने नए कपड़े दिलवाते हैं। रूपा की बात सुनकर हरिया कपड़े सिलना रोक देता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ और जाकर खेलो। हरिया परेशान होकर वहां से उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचता है, जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं बहुत बुरा पिता हूँ, मैं अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकता, इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। वो इतना कह ही रहा था कि तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई परी निकलकर बाहर आती है। अरे तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत अच्छे पिता हो, जो पिता अपनी बेटियों के बारे में इतना सोचता है वह बुरा नहीं हो सकता, आखिर क्या बात है और तुम क्यों परेशान हो। हरिया जादुई परी को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद जादुई परी अपनी छड़ी से तीन जादुई गाउन प्रकट करती है। देखो ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है, तुम इन गाउन को अपनी तीनों बेटियों को पहना देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर तुम ना होती तो मेरी परेशानी दूर ना होती। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है और परी वापस पेड़ में समा जाती है। घर पहुंचकर हरिया अपनी तीनों बेटियों को गाउन पहना देता है और कहता है, अब तो ठीक है ना बेटा, मैं तुम तीनों के लिए गाउन लेकर आया हूँ, लेकिन ये कोई मामूली गाउन नहीं बल्कि जादुई गाउन है। हाँ पिताजी ये गाउन बहुत अच्छी है और बहुत चमकीली और सुंदर भी है। गाउन पहनने के बाद जैसे ही वो तीनों चलना शुरू करती हैं, उनके गाउन से सोना पैसे और कई सारे गाउन निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह इनका जादू तो कमाल है। शालू के गाउन के ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो वहीं रूपा के गाउन से बहुत सुंदर सुंदर गाउन निकलने लगते हैं, जिसके चलते संजना के गाउन से ढेर सारे नोट प्रकट होते हैं। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश होता है।
अरे ये तो सचमुच अद्भुत है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा, जरा देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं यहाँ। एक ही दिन में बेचारे गरीब हरिया की किस्मत बदल जाती है और वो उन पैसों और सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देता है। मेरी प्यारी बच्चियों, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से हरिया सिलाई का काम छोड़कर गाउन बेचने का काम शुरू कर देता है। उसके पास इतने सुंदर और इतने प्यारे गाउन थे कि गांव के सभी लोग उससे गाउन खरीद लेते हैं। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। इसी के चलते हरिया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार अच्छे से मना लेता है। आज तुम तीनों की माँ जिंदा होती तो तुम तीनों को बहुत प्यार करती। हाँ पिताजी, हम तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं। उस दिन के बाद से उनकी धीरे धीरे सभी परेशानियाँ ठीक होने लगती हैं। एक दिन रूपा, शालू और संजना की सहेली शिल्पा के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते शिल्पा उन तीनों के पास आकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरे पिताजी को कैंसर है, उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तुम जाओ अपने पिता के पास जाओ, हम पैसा लेकर आते हैं। तीनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद वे तीनों अपने जादुई गाउन पहन लेती हैं और वहां से चलने लगती हैं। उनके चलते ही गाउन के अंदर से सोना, गाउन और पैसे निकलने लगते हैं। शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के, रूपा के गाउन से ढेर सारे गाउन और संजना के गाउन से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। पिताजी, इन गाउन को तो आप बेच देना, बाकी हम ये सोने के सिक्के और पैसे शिल्पा के पिताजी के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तीनों मिलकर हॉस्पिटल की फीस भर देती हैं, जिसके बाद शिल्पा के पिता का इलाज शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम तीनों का इतना मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। वो तीनों बहनें मिलकर गांव के बहुत से गरीबों की मदद करती हैं। वो तीनों फिर से एक बार अपने तीनों गाउन पहन लेती हैं, जिसके बाद शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के और रूपा के गाउन से ढेर सारे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले गाउन, वहीं संजना के गाउन से बहुत सारे पैसे निकलकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो तीनों उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं और भूखों को खाना भी खिलाती हैं। वहीं हरिया का गाउन बेचने का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।